हेलो फ्रेंड्स, मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये देखिए, आज मैं ये रंग बिरंगा सा प्यारा सा पैटर्न लेकर आई हूँ। इसे आप जेंट्स स्वेटर में, लेडीज स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट में बनाएंगी तो ये सुंदर लगेगा। रॉन्ग साइड से ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर मैंने क्रीम कलर के ऊन से बेस बनाया है। ये मेरा क्रीम कलर प्राइमरी कलर है। उसके बाद मैंने इसमें रेड कलर और फिर ग्रीन और फिर पिंक, डार्क पिंक कलर का ऊन लगाया है। आप अपने पसंद के कलर से बनाएं, और बच्चों के स्वेटर तो मल्टी कलर प्यारे लगते ही हैं। ये देखिए, और इस पैटर्न को बनाने के लिए हमें 4+1 यानी कि 5 के मल्टीपल में फंदे डालने होंगे। यहाँ पर ये 4 फंदे, ये एक फंदा पर ये वाला पैटर्न बनाया गया है, फिर 4 फंदे, फिर एक फंदे, तो हम 5 के मल्टीपल पे फंदे डालेंगे और 10 सिलाइयों में ये पैटर्न कंप्लीट हो जाता है। और पैटर्न बनाना शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मॉम्स निटिंग एंड स्टाइल चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नए नए डिज़ाइन के नोटिफिकेशन आप तक बिना रुकावट के पहुंचते रहें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको यह डिज़ाइन कैसा लगा। तो चलिए, अब हम पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने इस पैटर्न को बनाने के लिए 5 के मल्टीपल में 20 फंदे डाले हैं, प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा मैंने किनारे के लिए डाले हैं, तो टोटल हो गए 22 फंदे, 22 फंदे। अब हमने पैटर्न बनाना शुरू करना है। पैटर्न की पहली लाइन हमारी राइट साइड की होगी। पहली सिलाई हम पूरी की पूरी सीधी बुन लेंगे एक कलर से। यहाँ पर मैंने येलो कलर का एक लिया है प्राइमरी कलर, तो पहली लाइन हम पूरी की पूरी सीधी बुन लेते हैं। सेकेंड लाइन हमारी रॉन्ग साइड की है। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे, दूसरा फंदा उल्टा, लेकिन दो बार ऊन लपेट कर, देखिए दो बार ऊन लपेट कर, फिर दो उल्टे सिंपल तरीके से, एक उल्टा, दो बार ऊन लपेट कर, एक उल्टा सिंपल तरीके से, ये देखिए ये सिंपल तरीके से, और एक उल्टा, दो बार ऊन लपेट कर, ये देखिए। यहाँ पर हमने ये तो पहली, ये हमारी किनारे की का फंदा हो गया, ये वाला फंदा हमने दो बार ऊन लपेट कर बुना, फिर दो फंदे सिंपल तरीके से उल्टा, उसके बाद ये वाला फंदा दो बार ऊन लपेट कर, फिर सिर्फ एक फंदा, ये देखिए यहाँ पर दो फंदे हमने सिंपल तरीके से बुने थे, लेकिन यहाँ पर एक फंदा सिंपल तरीके से। अब हमने फिर से दो फंदे सिंपल तरीके से, एक फंदा, दो बार ऊन लपेट कर, एक फंदा सिंपल तरीके से, एक फंदा, दो बार ऊन लपेट कर, दो फंदे सिंपल तरीके से, ये फंदा दो बार ऊन लपेट कर, एक फंदा सिंपल तरीके से। यानी हमें एक बार ऊन लपेट कर बुनना है, तो दो फंदे सिंपल तरीके से, एक फिर ऊन लपेट कर बुनेंगे और फिर एक फंदा। यहाँ पर देखिए, दो फंदा सिंपल तरीके से, एक फंदा सिंपल तरीके से, यहाँ पे दो फंदा, फिर एक फंदा, इस तरह से हमें बुनना है। दो बार ऊन लपेट कर उल्टा बुनेंगे। यहाँ पर हमने एक फंदा सिंपल तरीके से बुना था, तो अब हम दो फंदा सिंपल तरीके से बुनेंगे, एक, दो, एक फंदा ऊन लपेट कर, और ये हो गए किनारे के फंदे। थर्ड लाइन हमारी राइट साइड की है। इसे हमने बी कलर से बुनना है, यानी सेकेंडरी कलर से। यहाँ पर मैंने गाजरी कलर का ऊन लिया है एज ए सेकेंडरी कलर। ये देखिए, इसे मैं जोड़ देती हूँ, और अब हम इससे बुनाई करेंगे, थर्ड रो की बुनाई। देखिए, पहला फंदा सीधा, दूसरा फंदा भी सीधा। ये हमने दो बार ऊन लपेट कर बुनाई की थी, इसे हम खोलकर बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे। ये दो फंदे
खुशी थे। इस फंदे को हम खोलकर दाहिने सिलाई पर डाल देंगे। एक फंदा हमने इसमें पांच फंदे बनाने हैं। ये देखिए, एक फंदा ऊन आगे, एक बार और बुनेंगे, तीन फंदे हो बन गए। एक बार और ऊन आगे करके बुन लेंगे तो पांच फंदे हो जाएंगे, यानी हमने एक फंदा में पांच फंदा बना लिया। ये हमारा दो बार लपेटा हुआ फंदा है, तो इसे हम खोलकर दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे। दो फंदे सीधे, इस फंदे को हम खोलकर दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे। एक फंदा है, इसे हमने पांच फंदों में बदलना है। एक फंदा ऊन आगे, तीन फंदे हो गए, एक बार और बुनेंगे ऊन आगे करके तो पांच फंदे। ये हमने बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डाल लिया, दो फंदा सीधा। दाहिनी सिलाई पर हमने डाल लिया ये लंबा वाला फंदा, इस एक फंदा है, इसे हमने पांच फंदा बनाना है। एक फंदा, तीन फंदे हो गए और ये एक बार ऊन आगे करके पांच फंदे। एक बार फिर हम इसे फंदे को खोलकर दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे और ये दो फंदे, यानी हमने जो दो फंदों का सेट है उसे सिंपल तरीके से बुनना है और जो एक फंदा है उसमें पांच फंदा बना लेना है। ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट हो गई। फोर्थ रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और ये पीला रंग का जो भी फंदा है उसे भी हम बिना बुने उतारते जाएंगे। दो फंदे उल्टे, ये पीला फंदा लंबा वाला है, इसे हम दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे। ऊन पीछे, इन पांच फंदों को सीधा बुनेंगे। ये पांच फंदों का सेट है, इसे हम सीधा बुन लेंगे। चार और ये पांच, ऊन हमारा आगे और इस फंदे को हम बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे। दो फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुना हुआ, ऊन पीछे, पांच फंदों का सेट है, इसे हम सीधा बुनेंगे। तीन, चार और ये पांच, ऊन आगे, ये एक फंदा हमने दाहिनी सिलाई पर डाल लेना है। दो फंदे उल्टे, लंबे वाले फंदे को एक बार फिर दाहिनी सिलाई पर डालकर ऊन पीछे कर लेंगे। पांच फंदे सीधे, तीन, चार और ये पांच। इस फंदे को हमने दाहिनी सिलाई पर डालना है, लेकिन पहले फंदा को आगे करेंगे और तब इसे दाहिनी सिलाई पर डालेंगे। दो फंदे उल्टे, इस फंदे को भी हम दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे और ये दो फंदे उल्टे। फिफ्थ रो हमारी राइट साइड की है। पहला फंदा बिना बुने, दूसरा फंदा सीधा, येलो फंदे सारे हमने दाहिनी सिलाई पर बिना बुने उतारते जाना है। और देखिए, दो फंदे सीधे, इसे हम दाहिनी सिलाई पर डालेंगे। ये पांच फंदों को उल्टा बुनेंगे। हमने रॉन्ग साइड में सीधा बुना था और राइट साइड में उल्टा, ताकि आगे की तरफ ये उल्टे दिखें। ये हमारे पांच उल्टे फंदे हो गए। दाहिनी सिलाई पर हमने डाल लिया इस पीले वाले फंदे को, दो फंदा सीधा। पीले फंदे को दाहिनी सिलाई पर डालेंगे, पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार और ये पांच। ऊन पीछे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे सीधे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, पांच फंदे उल्टे, तीन, चार, पांच। ऊन पीछे, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, दो फंदे सीधे और ये बिना बुने हमने दाहिनी सिलाई पर डाल लिया और ये किनारे का फंदा। ये हमारा फिफ्थ रो कंप्लीट हो गया।
सिक्स थ्रो हमारी रॉन्ग साइड की है। पहले फंदे को हम बिना बुने उतार लेंगे और पीले वाले सारे फंदे जो कि प्राइमरी कलर के हैं उसे भी हम बिना बुने दाहिनी सिलाई पर डालते जाएंगे। दो उल्टा, एक फंदा हमने बिना बुने उतार लिया, ये पांच फंदे सीधे, एक दो तीन चार पांच, एक फंदा बिना बुने उतारेंगे, दो फंदा उल्टा, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और पांच फंदा सीधा, तीन चार पांच, ऊन आगे, एक फंदा बिना बुने, दो उल्टा, एक फंदा हम बिना बुने उतारेंगे और पांच फंदे सीधे। ऊन आगे करेंगे और उसके बाद इस फंदे को दाहिनी सिलाई पर बिना बुने उतार लेंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा बिना बुना हुआ और ये दो फंदे उल्टे। ये हमारी सिक्स्थ रो कंप्लीट हो गई। अब हमने सेवेंथ रो की बुनाई करनी है जो कि राइट साइड की है। ये देखिए, पहला फंदा हमने येलो कलर से बुनना है, यानी प्राइमरी कलर से। दूसरा फंदा भी सीधा। अब इन चार फंदों में हमने पहले पैटर्न बनाना है। देखिए, इस वाले फंदे को हम सबसे आगे ले आएंगे और उसके बाद इन दोनों फंदों को और इस फंदे को सबसे पीछे। देखिए, इस तरह से सेट करके बाहीं सिलाई पर डालकर और इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे, एक दो तीन चार। ये देखिए, ये क्रॉस की तरह यहाँ पर बन गया। इन पांच फंदों का हमने एक फंदा बनाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन पांचों फंदों को दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से यहाँ पर ऐसे ऊन फंसा करके और एक एक फंदा गिराते जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच। देखिए, पांच फंदे का हमने एक फंदा बना लिया। अब एक बार फिर इन चार फंदों में हमने पैटर्न बनाना है। ये देखिए, इस वाले फंदे को सबसे पहले ले आएंगे, इसके बाद ये दो फंदे और सबसे लास्ट में ये वाला फंदा। तो यहाँ पर क्रॉस की तरह बन जाएगा और चारों फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, दो तीन चार, पांच फंदे का एक फंदा। पहले पांचों फंदों को दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे और इस तरह से यहाँ पर फंदा फंसा करके और एक एक करके फंदों को गिराते जाएंगे, दो तीन चार पाँच। ये हो गया पांच फंदे से एक फंदा। अब हमने एक बार फिर इन चार फंदों में पैटर्न को रिपीट करना है। सबसे पहले इस वाले फंदे को दाहिनी सिलाई पर डाल लेंगे, उसके बाद इन दोनों फंदों को और ये फंदा सबसे लास्ट में रहेगा ताकि यहाँ पर क्रॉस की तरह बन जाए। अब हम इन चारों फंदों को सीधा बुन लेंगे एक एक करके, तीन चार, पांच फंदों का एक फंदा हमने बनाना है। देखिए, इस तरह से धागा फंसा करके और एक एक करके फंदों को हम गिराते जाएंगे, दो तीन चार पाँच। इन चारों फंदों में एक बार फिर से पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए, ये हमने सबसे पहले कर लिया, फिर इन दोनों फंदों को और सबसे लास्ट में इस फंदे को, ताकि यहाँ पर क्रॉस की तरह
बन जाए। एक सीधा, दो सीधा, तीन, चार, और ये किनारे का फंदा। ये हमारा पैटर्न देखिए अपने शेप में आने लग गया। एट थ्रो जो कि रॉन्ग साइड की है, इसे हमने पूरी की पूरी उल्टा उल्टा बुनकर पूरा कर लेना है। तो ये आठवीं सिलाई हम पूरी की पूरी उल्टा बुनकर पूरा कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने आठ सिलाइयाँ बुन ली और हमारा पैटर्न भी कंप्लीट हो गया। अब हमने पैटर्न को रिपीट करना है। आपका पसंद अगर दूसरे कलर का उनको लगाना है तो आप दूसरे कलर से बुने। देखिए यहाँ पर मैंने रेड के बाद ये ग्रीन कलर का को लगा लिया है। अगर आप सिर्फ एक ही कलर से ये सारे पैटर्न बनाना चाहती हैं तो वो भी सुंदर लगेगा। ये देखिए, लेकिन यहाँ पर मैंने कलर चेंज किया है बार बार। तो आप भी इस पैटर्न को बनाएं और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये पैटर्न कैसा लगा और मेरा बताने का तरीका कैसा लगा। थैंक यू।